दोस्तों लैबटेक्स में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं नासिर हाजिर हूं उसी केस स्टडी के साथ जो लास्ट टाइम हमने बात की थी कि इसके अंदर बीटीटी की वोल्टेज नहीं बन रही है और जो ऑल सिस्टम पावर ग्रिड है वो नहीं बन रही थी। आज देखते हैं इसमें कि क्या सिचुएशन नजर आती है, कुछ नया चीज मिलता है कि नहीं मिलता है। तो मैंने पावर लगाया, कंडीशन देख रहे हैं सेम है। आईडी में एचपी का यूज कर रहा हूँ, शायद ये एचपी का आईडी है। ठीक है, आईडी से तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेल का कहीं गुम हो गया मेरा, कोई बात नहीं। अब एक बार फिर से हम लोग कन्फर्म करेंगे कि क्या स्टेटस थी इसमें। तो ये है पॉइंट, इसमें 8 नंबर पिन मैं चेक कर रहा हूँ सीधे, और ये देख रहा हूँ मैं अनेबल आ रही है S5 की, तो हमें वीरडी क्यू हमें मिल गई होगी। ठीक है, वीरडी क्यू तो जाहिर सी बात है मिल ही रही थी। ये हमें 1.3 वोल्ट वीरडी क्यू मिल रही है। इसका 7 नंबर अनेबल है जिस पर हमने जंपर भी मारा था, ये अनेबल नहीं आ रही है। तो क्वेश्चन तो आप लोगों ने भी काफी ट्राई किया है, अच्छा है, लेकिन सारी सिचुएशन एक जैसी नहीं होती है। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये डायग्राम है, सीधे हम पहुंचते हैं PU 200 पर, और ये पावर गुड मिसिंग है इसके अंदर। ठीक है, तो पहले देखते हैं क्या VTT हमारी सही है। VTT हमारी 20 नंबर है, इसकी शॉर्टिंग चेक कर रहे हैं हम लोग। VTT देखिए 17 किलो ओम आ रही है, सही है। अनेबल देख लेते हैं, अनेबल शॉर्ट है कि नहीं। तो इसकी अनेबल चेक कर लेते हैं कि क्या वो शॉर्ट तो नहीं है। तो VTT अनेबल हम लोग चेक कर रहे हैं 7 नंबर पिन पर, तो ये 93, तो शॉर्टिंग इस दोनों में नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा जुगाड़ देखते हैं कि यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही किसी ने काम कर रखा है, इस पॉइंट पर भी कुछ ना कुछ होगा। यहाँ से भी क्लू ले सकते हैं, जो बंदा पहले से कोई काम कर रखा है। क्या भाई ये एरिया देख रहे हैं आप, यहाँ पर एक कोई चीज टाइप कर लेते हैं, UC15 देखते हैं क्या है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग चेक करते हैं। ये क्या चेक करने की जरूरत है, इसको तो हम लोगों ने पिछले बार चेक ही किया था कि हमें SLP S3 आ रही थी और S0 भी आ ही रही होगी, क्योंकि ये हमें मिल चुकी है। हमने इसको लास्ट टाइम चेक करा के दिखाया था आपको कि PJP 32 पर हमने जो 1 वोल्ट ST है, ये 1 वोल्ट वाली सारी पॉइंट हमारी सही थी। ऐसे हो, ST हो या कि IO थी, वो सारी वोल्टेज हमें प्राइम से ट्रांसफर होके मिल रही है। तो हमें ऑन की जरूरत नहीं है, यहाँ पर चेक करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है अनेबल होने के लिए जरूरत है। यहाँ पर हमने ये चेक किया है कि PJP 32 ऊपर की तरफ है। अब एक बार आके देख लेते हैं PJP 32 कहाँ गया, इस तरफ था शायद, ढूंढना भी आफत ही है। PJP 32 है, यहाँ है, इसको नहीं चेक किया था हमने। चलिए वैसे यहाँ पर चेक कर लेते हैं, ये पॉइंट देख लेते हैं। बायस है, बायस के पास PJP एक तो 23 है, काउंटिंग भी गलत हो गया है, कोई बात नहीं, होता है ये सब। 32 चेक करना है, तो 23 हो गया यहाँ, 32 कहाँ गया भाई साहब। ठीक है, इतना मेहनत नहीं करते हम, एक ही पॉइंट पर चेक कर लेते हैं, इसके 6 नंबर पिन पर UZ19 के, छः नंबर पिन, यही तो है, फिर मिल क्यों नहीं रहा है। PJP 32 ये है, हम लोगों ने चेक किया था, याद नहीं रहा, तो ये है PJP 32, यही तो चेक किया था हमने। पावर लगाया, बोर्ड ऑन हो गया, लाइट जल गई है यहाँ। अब इसको चेक करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कितना वोल्टेज, यहाँ पर 1 वोल्ट बन रहा है। तो ये PJP 32 चेक कर रहे हैं हम लोग, ये हमें 1 वोल्ट मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक तो कहानी बिल्कुल सही है। फिर इसके पास और क्या है, ये एरिया पर खंगाला हुआ है, कुछ ढूंढने की कोशिश की गई है। हम भी देखते हैं कि क्या ढूंढने की कोशिश की गई है। एक है UC16
UC16 है, यस ये वही पॉइंट है। मतलब जिस बंदे ने ट्राई किया है उसे ये बात तो पता है कि वो भी यही चीज ढूंढ रहे थे जो मैं ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, ये अच्छी बात है कि क्या ढूंढ रहे थे, ऑल सिस्टम पावर गुड। और हमने ये जाना यहाँ पर कि ऑल सिस्टम पावर गुड हमारी कब आएगी, जब 1.35 यानी रैम की पावर गुड हमें मिल जाएगी। रैम की पावर गुड में पहले रिक्वायरमेंट है कि VDDQ सही होनी चाहिए। ठीक है, VDDQ सही होनी चाहिए और दूसरी रिक्वायरमेंट है कि VTT सही होनी चाहिए। VTT सही होनी चाहिए। अब सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा, आप लोगों ने काफी जवाब दे दिया है। मैं सीधे पॉइंट पर आता हूं कि VTT हमारी अभी यहां पर नहीं है। ठीक है, तो पावर गुड का तो सवाल ही नहीं उठता कि पावर गुड आएगी। पावर गुड जब आएगी तब हमारा ऑल सिस्टम पावर गुड बनेगा और IMBP VR बनेगी, तब कोर भी बन सकता है। तो यही यहाँ पर जो बफर लगा हुआ है, ये बफर जो लगा हुआ है, इस बफर के थ्रू ऑल सिस्टम पावर गुड आ रही है। और बफर में, बफर क्या होता है, खाली जगह होता है। यहाँ पर से अगर मान लीजिए ये 3 वोल्ट आ रही है तो यहाँ से 1 वोल्ट आपको 4 नंबर पर दिखेगी जो कि पुल अप ली हुई है, अगर सही हुआ लॉजिक तो। अब नहीं, अगर ये वोल्ट आया तो यहाँ पर कोई भी वोल्टेज नहीं मिलने वाली आपको। ठीक है, ये यहाँ पर निगेटिव जो है फीडबैक लेगा। अगर पॉजिटिव आई तो जो VCC होती है VCC की फीडबैक लेता है, ओपन ड्रेन होती है आप कह सकते हैं इसे। तो यहाँ पर आपको वोल्टेज चाहिए दोनों टर्मिनल पर, या 4 नंबर पर चेक कर लीजिए। तो 4 नंबर पर यहाँ पर ये UC16 पर हमें 2 नंबर पर वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं, ये एक बार कंफर्म कर लेते हैं। हालांकि नहीं मिल रहा था, हमने चेक किया था लास्ट टाइम। आइए जरा चेक करते हैं, UC16 के 2 नंबर पिन पर हमें वोल्टेज है कि नहीं। तो अभी तो ऑन ही है, चेक कर लेते हैं वोल्टेज पर है सेट, तो नहीं है। ठीक है, अब 2 नंबर पिन पर जब नहीं है तो 4 पर भी नहीं होगा, तो 4 पर चेक कर लेते हैं, 4 पर भी नहीं है। तो हमें ये तो कंफर्म हो गया कि ये चाहिए होगी, ये वाली चाहिए वोल्टेज। अब RC392 हम नहीं ढूंढ सकते, वैसे यहां पर एक जंपर बोल रहा है, शॉर्ट पैड बोल रहा है, यानी जंपर। एक ये डायोड, तो डायोड भी एट द रेट है और मेरे ख्याल से ये यहां पर है, ये जो DZ5 था क्या, DZ5 यहां पर से गायब है, मतलब है ही नहीं, किसी ने निकाला नहीं है, ये गायब है यहां से, मिसिंग है। मैं फिर वही बात बोल रहा हूँ, मिसिंग नहीं है, यानी कि इसके अंदर ये वाला पॉइंट एट द रेट है, ब्लैंक छोड़ा गया है। अब इसको चेक करते हैं कि इसकी इम्पीडेंस क्या है। यहाँ पर एक इस पॉइंट को हम ऐसे ढूंढ लेते हैं कि इसकी रजिस्टर जो पुल अप है, इसको जरा करके देखते हैं, शॉर्ट करके देख लेते हैं पहले। तो इस पॉइंट से एक रजिस्टर देखते हैं, कुछ नजर आ जाता है। ठीक है, इस पॉइंट से यानी डायोड के इस पॉइंट से एक रजिस्टर यहां पर नजर आ रहा है, इसकी वैल्यू कितनी है पहले ये देखते हैं। पचासी ओम तो नहीं है, कितना है ये, 1 किलो ओम है। अच्छा, इधर वोल्टेज आ रही है, जरा ये चेक करते हैं कि इसके दूसरे तरफ वोल्टेज आ रही है। बिल्कुल आ रही है, इस तरफ नहीं आई। इसको शॉर्ट करते हैं, खींचते हैं वोल्टेज को, यस उठा लिया, बहुत ज्यादा उठा लिया, 3.3 इस तरफ बन गई है। अभी हम लोग जो चेक कर रहे हैं जंपर मारने के बाद, 3.1 वोल्ट बन रही है, ऑफ हो गया। लेकिन यहां देखिए आप, इसका जो पुल अप हम लोग कर रहे हैं, ये पुल अप को हम लोग डायरेक्ट कर दे रहे हैं। ये जो 80 ओम दिखा रही है, हालांकि है 1 किलो ओम, इसको ऑन करते हैं तो 3 वोल्ट नीचे आ जा रही है। और एम्पेयर देखिए, लेकिन ऑन हो क्या ऑफ हो जा रहा है। ठीक है, वोल्टेज नीचे आ जाती है लेकिन
अभी तो ऑफ हो गया। वोल्टेज बन जाती है, गिर जाती है। तो फोर्सिवली अगर वोल्टेज हम इंजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ऑल सिस्टम पावर ग्रिड पर, तो वो ऑन होकर के ऑफ हो जा रहा है। ये प्रॉब्लम है, यानी यहां से यहां हम फोर्सिवली इंजेक्ट करना चाह रहे हैं। तो आगे हम देख रहे हैं क्या उठाता लोड, सही है, बन भी जाता होगा, जितनी चीज बननी होगी कोर भी बन जाता होगा। अभी चेक नहीं किया कुछ, ऑन होके ऑफ हो जा रहा है, सडन ऑल ऑफ सडन जो है ऑन होके ऑफ हो जा रहा है। तो सारे रिक्वायरमेंट पूरी हो जा रही है, लोड भी हमारा बढ़ जा रहा है, लेकिन ऑन होके ऑफ हो जा रहा है। तो ये 80 ओम क्यों आ रही है? एक सेकंड, मैं जरा इसको जो ना चेक करता हूँ कहीं रजिस्टर की वैल्यू इतनी घट गई है। आइए देखते हैं, एक तरफ से इसका निकाल देते हैं, ठीक है, एक तरफ से इसको निकालने की कोशिश करते हैं। हॉट गन नहीं लगाएंगे, यहाँ पर प्लास्टिक है तो हम लोग जो है इसको ऐसे ही एक तरफ से निकाल लेते हैं, खड़ा कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे खड़ा कर लिया। अब इसकी वैल्यू चेक करते हैं कि कितनी वैल्यू आ रही है, ठीक है, 1 किलो ओम में। तो लग करके ये कितना दिखा रहा है, 80 ओम दिखा रहा है, ठीक है। मैंने एक तरफ से इसको हवा में खड़ा कर दिया है, तो ये 1 किलो ओम दिखा रहा है। वापस लगाते हैं इसको, इसकी तो कोई गलती नहीं है। अब 80 दिखा रहा है यानी, ठीक है, जैसे लगा जैसे था बेचारे को कर देते हैं। अब इसकी वैल्यू जरा यहां लगे लगे चेक करते हैं क्या है। पचासी ओम दोनों तरफ वोल्टेज है, इधर चेक करते हैं पहले, इधर है 83 और इधर है 2 ओम। तो साइड देखते हैं क्या है, जो डायोड का साइड है इधर 2 ओम है, जो डायोड का साइड है ये वाला पॉइंट हमारा, यानी पावर गुड, इसको कॉपी करिए, ये वाला पॉइंट है ना इधर से जुड़ा हुआ है, सबको हटा देता हूँ मैं, फिर से ड्राइंग करते हैं हम लोग। तो ये पॉइंट है जो हमारा 2 ओम आ रहा है, डायोड से लगा हुआ ये पॉइंट और ऑल्सो ये पॉइंट। तो पावर ऑल सिस्टम पावर गुड कहीं भी जा रहा होगा तो मेरे ख्याल से ये इतना ही दिखा रहा होगा। अब जरा अगर कंफर्म करना है कि ऑल सिस्टम पावर गुड, तो यहाँ पर बगल में UC 16 है ना, UC 16 को चेक कर लेते हैं, UC 16 के 2 नंबर पिन को चेक कर लेते हैं, 2 ओम, वाह 2 ओम है UC 16। बैक साइड में ये इससे जुड़ा हुआ, ये इधर से आ रहा है, तो ये तो है नहीं, एट द रेट है। तो कॉपी करते हैं, हमारे पास बचता है हाथ में 1.35 पावर गुड, इसको उठाइए कॉपी करिए और ढूंढिए पेस्ट कहाँ कहाँ जा रहा है। तो ये तो सीधे पहुंच गए हम IC पर, 10 नंबर पिन पावर गुड। आइए 10 नंबर को चेक कर लेते हैं, ठीक है, 10 नंबर पिन को चेक करते हैं, 3 ओम निकाल देते IC, ठीक है, पावर गुड IC से तो शॉर्ट नहीं देखा है, क्योंकि पुल अप होती है, हो सकता है कुछ भी पॉसिबल है। इसको निकाल रहा हूं, तो यानी कि पावर गुड शॉर्ट होने के कारण भी हमारा उल्टा सीक्वेंस चल रहा था, यानी जो VTT अनेबल है वो ही नहीं आ पा रही है, क्योंकि VTT पावर गुड शॉर्ट थी। तो जो सवाल था उसका जवाब यही होगा कि अगर पावर गुड शॉर्ट है तो अनेबल भी रुक सकती है, सीक्वेंस वही है, सीक्वेंस हर किस गलत नहीं है, जो हमने देखा था पावर ऑन सीक्वेंस। LFE से लगाया क्या, ठीक है, अभी भी उतनी आ रही है, क्या गया, पावर गुड अभी भी शॉर्ट है, 80 निकालने के बावजूद भी शॉर्ट है।
जाहिर सी बात है, इतना काम किया हुआ है तो आईसी तो नहीं छोड़ी होगी। वापस लगा देते भाई साहब को। तो पावर गुड, आईसी निकालने के बाद भी शॉर्ट ही है। अब क्या करें, हम लोग शॉर्टिंग प्रोसेस पर बढ़ जाते हैं, सीधी बात। ठीक है, शॉर्टिंग प्रोसेस पर हम लोग जा रहे हैं और हम लोग क्या करते हैं, एक जम्पर वायर यहाँ पर लगा देते हैं उस पॉइंट पर जहाँ पर शॉर्टिंग आ रही है। तो या तो यहाँ लगा दूँ, रजिस्टर पर लगाता हूँ। ठीक है, एक ही बात है, रजिस्टर के उस साइड में जिधर की पावर गुड आ रही है। ठीक है, इधर हमने एक जम्पर वायर जोड़ा है और अपना 10 एम्पेयर का पावर सप्लाई ऑन करता हूं। इधर ये लगा देते हैं ग्राउंड और इधर पावर लगाते हैं। सेंसर खोल लेते हैं, 2 ओम मतलब खत्म है एकदम, पता नहीं क्या खत्म है सीपीयू की क्या। ये देखिए 220 मिली एम्पियर लोड है, क्योंकि इसमें डिजिट 2 ही होता है, 2 उधर 2 इधर। तो इसको आप 3 डिजिट में ऐसे बोल सकते हैं कि ये 300 मिली एम्पियर लोड ले रहा है। अभी 1.5 वोल्ट डाला है, अभी मैंने 2 वोल्ट डाला है तो 400 मिली एम्पियर हुआ है। 3 वोल्ट की जरूरत है ना, यहाँ पर 3 वोल्ट आती है पावर गुड पर, तो मैं 3 वोल्ट इसको कर देता हूँ। अच्छा, ये जो हमने इसको जम्पर मारा था तो यहाँ जो लोड उठाया वो लोड एक्चुअली में किसी चीज के शॉर्टिंग का लोड था। इधर क्या गर्म हो रहा है, सीपी तो गर्म नहीं हो रहा है, बज गया लगता है। यहां पर क्या है, कुछ ना कुछ तो हीट हो रहा है इधर, और देख क्या थोड़ा बीजेटी का सवाल है। 3.3, ठीक, अब तो चिल्ला जाना चाहिए इसको। सब नॉर्मल है, तो लोड कहाँ जा रहा भाई। कोर गर्म हो रही है थोड़ा थोड़ा। ये एरिया क्यों गर्म हो रहा है बैक साइड से। यस, ये वाला PWM ड्राइवर, ये देखिए। ठीक है, ये है, अभी एनवायरनमेंट का टेम्परेचर दिखा देता हूँ, 31 डिग्री है। एनवीडिया का 33-34 है, CPU 32 है। ये वाला PWM ड्राइवर ये 38 है, ये वाला PWM 37 है। ठीक है, ये दोनों में से एक ही, ये 40 हो गया, यही क्या क्या, लेकिन उंगली रखने से ये ज्यादा जल रहा है। ये वाली PWM जो ना बहुत ज्यादा हीट हो रही है, तो इसको ऑफ कर देते हैं। लेकिन एक बात बताइए, ये PWM हिट होने से
ऑल पावर गुड कैसे आपका खराब होगा, स्टार्ट हो सकता है, यहाँ जा रही है डायरेक्ट। ये है PU 605, PU 605 यहाँ है। और अगर यहाँ कुछ भी शॉर्ट होता है तो एक PWM आती है अनेवल बन के, अनेवल आ रही है, ये आ रही है, ये तो कोर से आ रही होगी। अच्छा इनडायरेक्टली, अच्छा ये तो वही चीज है भाई, सही बिल्कुल हो सकता है। IMVP VR on short है जिसके कारण हमारी पावर गुड, चूंकि सारी एक लाइन पर है, ये कहानी अब समझ आई। ठीक है, देखिए पॉसिबिलिटी की बात हो रही थी अभी तक हम लोग, जो क्यों कोई एक बार में सही आंसर बता सकता है, क्योंकि यहां जब खुद सप्लाई ही चार पांच भाग में बटी हुई है। यहां देखिए ऑल सिस्टम पावर गुड भी शॉर्ट हो सकता था, IMVP शॉर्ट हुई है, और लाइन दोनों का एक ही है, और आ रही है कहां से, 1.35 VTT पावर गुड से, तो खुद उस एरिया में भी शॉर्टिंग हो सकती थी, रैम के IC से शॉर्टिंग हो सकती थी, बीच में कोई कैपेसिटर वगैरह अगर लगा होता तो वो भी शॉर्ट हो सकती थी। फिर यहां पर ऑल सिस्टम पावर गुड भी चार पांच जगह जा रहा है, ये भी शॉर्ट हो सकती थी। तो IMVP VR on शॉर्ट हुई है, और जिसके कारण हमारी पूरी की पूरी लाइन शॉर्टिंग बता रही है। तो चलिए इसको निकालते हैं। तो ये वाला एक तो पहला वाला, ये तो लगता है किसी ने चेंज किया हुआ है, और दूसरा वाला नहीं, सॉरी ये वाला जो पहला वाला है ये चेंज नहीं हुआ है, ये मैंने लगा के देखा था इसको, इस वाले में जो दूसरे वाले में जो ये शॉर्ट था, ये वाली जो बात कर रही थी मैं, ये जो दूसरा वाला शॉर्ट है इसमें ये PWM लगा के चेक करी थी मैंने, वापस लगा दी ये वाला पॉइंट, क्योंकि इस बोर्ड को पहले मैंने मना किया था कि इतना ज़्यादा छिड़ा हुआ है, हीट मारा हुआ है, तो शायद नहीं होगा। तो फिर बोला कि दोनों में से एक तो करना है, इसलिए मैं भिड़ा हूँ इसमें, और अभी भी ये गारंटी नहीं है कि ये ठीक हो जाएगा। अगर शॉर्टिंग निकल जाती है, डिस्प्ले अपने आप आ जाता है, तो कह सकते हैं कि ठीक हो सकता है, नहीं तो फिर इसको बाय बाय कर देंगे। इतना टाइम लगेगा IC निकालने में, आपको लगता है कि इतना लगता है टाइम, फुल है, अब इससे ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। वाह निकल गया। तो अब जो है हम क्या चेक करेंगे, वो पॉइंट जो कि हमारा शॉर्ट था, तो यहाँ भी पता चल जाएगा, यही तो आ रहा है। कितने नंबर पिन पर, बैक चलिए थोड़ा सा, इसमें अनेबल बनने के लिए जा रहा है। अभी हम कहाँ थे, VR on एक तो यहाँ आ रहा था कोर IC पर, और एक यहाँ भी आ रहा है, और वो पिन है 12 नंबर पे। इसको कैसे गिनेंगे, 13 ये है, 12 ये होगा, बिल्कुल करीब करीब 1 किलो ओम। तो ठीक है, उधर भी अब चेक कर लेते एक बार, जो हमारा मेन पॉइंट था जहाँ पर शॉर्टिंग चेक कर रहे थे यहीं पर चेक कर लेते हैं। ठीक है, आप भी देख लीजिए, ये वाला पॉइंट था, इसको निकाल देते हैं, शॉर्टिंग लगता है निकल गई होगी। ठीक है, इस पॉइंट पर UC16 का 2 नंबर पिन, वैल्यू देखिए अब। ठीक है, ये हमारी अब ओपन कह सकते हैं, शॉर्ट नहीं है। तो कहां से सीक्वेंस स्टार्ट हुआ और कहां जाके खत्म हुआ, इसलिए पॉसिबल नहीं होता है कि फोन पर कोई सॉल्यूशन बता पाए, या जैसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा था वो तो बस एंटरटेनमेंट है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, इसके अंदर एक तो पहले से शॉर्ट है, इस बोर्ड के अंदर एक तो ऑलरेडी पहले से शॉर्ट है जो कि निकाल के मैंने यहाँ रखी हुई है, दूसरा वाला इसमें यूज कर रहा हूँ मैं, मेरे पास ऐसे नहीं है, मुझे अपने दूसरे सेल वाले ऑफिस से मंगवानी पड़ेगी, टाइम लग जाएगा। तो चलिए सीधे हम निकालते हैं इसको, मैं 2 मिनट होल्ड पर कर रहा हूँ, इधर चेंज करना चाह रहा हूँ मैं, ये हालत है,
861 DW का। तो दोस्तों इसको मैंने चेंज कर लिया है और ये इसकी ख़राब है ये वाली, तो यानी दोनों ख़राब ही है। एक सिग्नल शॉर्ट है, एक में 19 वोल्ट शॉर्ट है। यहाँ पहले वाले का जो निकाला था मैंने, पहले में 19 वोल्ट शॉर्ट थी तो वो तो ख़राब ही है, दूसरे में इसको बोल सकते हैं आप सिग्नल शॉर्ट हुई थी। पावर डालें, अगर CPU बचा होगा तो लगता है कि आ जाएगा, VGT बन जाएगी। अभी थोड़ा सा बड़ा है, पूरा भी नहीं बड़ा अभी। अब जरा देखते हैं कि हमारी VGT बनी है कि नहीं। CPU भी खराब हो सकता है, VGT अभी भी नहीं बन रही है, अनेबल अभी भी नहीं आया है। ठीक है, यहाँ की कंडीशन सुधरी नहीं सुधरी। ठीक है, पावर गुड नहीं निकल रहा है क्योंकि VGT नहीं बन रही है, और VGT नहीं बन रही है क्योंकि VGT अनेबल नहीं आ रहा है। तो आप ये मान लें कि CPU खराब है, या और कोई जुगाड़ लगा सकते हैं। एक बार फिर से मैं लगा रहा हूं जुगाड़। पुल अप ऑन, ओके ऑफ, कहीं ये करने से तो शॉर्ट नहीं हो जा रहा है। नहीं, इससे शॉर्ट नहीं होता है। तो 0.6 है और अभी VGT अनेबल नहीं आ रही है, तो मुझे तो लगता है कि कुछ नहीं बचा। UC17 गायब है यहां से लगता है। क्या होता है ये, यहाँ पर देखिए UC17 कुछ ऐसा क्यों लग रहा है, ये UC17 कोई गेट टाइप ही है ये, और है क्या ये UC17। अच्छा, ऑल सिस्टम पावर गुड आगे नहीं जा रही है, SLP S3 से ही ऑल सिस्टम पावर गुड बनेगी। एक बार इसका निकाल के लगा देते हैं, ठीक, शायद कुछ काम बन जाए। तो मुझे एक बात बताइए, ऑल सिस्टम पावर गुड तो तब है जब हमारी VGT अनेबल आएगी। तो ये कुछ अजीबोगरीब कंसेप्ट है। पहले इसको हम लोग लगाते हैं जो मिसिंग दिख रहा है। SLP S3 एंड गेट के बफर पर है, ठीक है। ये बफर है, एंड गेट नहीं है, ठीक है। इसको हमने चेंज कर दिया, जरा देखते हैं लगा है अच्छे से। थोड़ा सा डेंटिंग पेंटिंग की जरूरत पड़ेगी। ब्रश, और कुछ तो मिसिंग नहीं है, ठीक है। पावर लगाएं, देखते हैं क्या होता है। उतना ही है, तो बात सही है कि मेरा एक्सपेक्टेशन यही था कि इतना ही होना चाहिए, क्योंकि अभी हमारी मेन जो है VGT अनेबल ही नहीं आई है, और ये अनेबल आ रही है हमारी CPU से। एक काम मैं यहाँ पर करना चाह रहा हूँ, इसको SLP S3 से अनेबल करा के देखते हैं, ठीक है। ये लोड स्विच है, ऑफ कर लेते हैं लोड स्विच से।
ऐसे थोड़ी होता है। बीटीटी लेकिन बन गई। अगर मैं यहाँ से एसएलपी S3 से अनेबल दे रहा हूँ तो VTT की वोल्टेज बन जा रही है, यानी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। IC में IC चेंज करके क्यों देखेंगे, अनेबल आएगी वो बना देगी वोल्टेज। मैं सिर्फ ये चेक कर रहा था कि वो वोल्टेज सही है कि नहीं। तो अब मुझे लगता है कि कुछ नहीं बचा चेक करने के लिए, CPU ही खराब है जैसा मुझे लगता है। फोर्सिवली पावर भी डालते हैं अगर तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ऑन होता है ऑफ हो जाता है। ये देखिए मैंने ऑल सिस्टम पावर गुड को डायरेक्ट कर दिया है, ऑन होता है ऑफ हो जाता है, ये कंडीशन है। और यहाँ से अगर हम SLP S3 की वोल्टेज अनेबल के रूप में दे देते हैं VTT अनेबल को, तो VTT बन जाती है, लेकिन चूंकि CPU काम नहीं कर रहा है तो फिर क्या फायदा होगा। ठीक है, तो ये हीट मारने का नतीजा दिख गया हमें। तो दोस्तों यहां तक तो मुझे लग रहा है कि CPU ही खराब हो चुका है और कोई जुगाड़ नहीं है इसका, और अब मैं ये रिटर्न करने वाला हूं। अगर इसमें अभी भी लग रहा है आपको कि कुछ और पॉइंट ऐसा है जिसमें, जैसे कि मैंने आपको एक सीक्वेंस बताया पूरा पिछले वीडियो में कि क्या क्या मिलनी चाहिए, उसके पहले तक की जितनी भी चीजें हैं वो हमने चेक कर ली है, यानी जो पावर अप सीक्वेंस होता है उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। पावर अप सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूँ कि हमारी सारी चीजें मिल रही है, उसके बाद भी अगर हमें VTT अनेबल नहीं मिल रहा है तो फिर हम तो यही कहेंगे कि CPU खराब हो चुका है और हीट मारने का ये नतीजा हमने देखा। ठीक है, ये है पॉइंट। मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूं कि क्यों मेरा भी दिमाग बंद हो गया। अब ये देखिए VTT अनेबल नहीं निकल रही है, CPU की रिक्वायरमेंट है सप्लाई की। सप्लाई में से चूंकि इस पॉइंट पर तो नहीं चेक कर पाता हूं मैं क्योंकि बोर्ड व्यू नहीं है, कोर मिसिंग है एक, तो CPU कोर तो सबसे लास्ट है। VCC IO GT मेमोरी ये सारी बन रही है, वहां तक पहुंची है कि नहीं CPU तक, ये एक पॉइंट है जो छूट रहा है मुझसे। ST भी मिल रही है, यहां पहुंची है कि नहीं, क्योंकि अब लूप काम नहीं करेगा इसका, PLL काम नहीं करेगा, तो हो सकता है CPU VTT ऑट अनेबल नहीं करे, या यहां तक मेमोरी की सप्लाई नहीं पहुंची है तो इसके, यानी इसको OC कहते हैं, OC वाली जो वोल्टेज है PLL OC ये नहीं पहुंचेगी, DDR की वोल्टेज होती है, अगर नहीं पहुंची तो भी ये ऑट नहीं करेगा। तो यानी अब एक पॉइंट जो बचा है कि बोर्ड व्यू अगर होता तो इसको यहां से यहां तक खंगाला जा सकता था। अब फिजिकल है बचा हुआ कि माइक्रोस्कोप से अगर हम पूरे एरिया को अगर हार लेते हैं कि सारी चीज अपनी जगह पर है, सही है, तो बीच में अगर रजिस्टर अगर होगी तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। तो हम चेक करेंगे कि कहां कहां जा रही है, कुछ क्लू अगर निकालेंगे तो एक बार ट्राई जरूर करूंगा मैं, नहीं तो फिर CPU ही है जो रिस्पॉन्सिबल, जो काम नहीं कर रही है, जो जवाब नहीं दे रही है। ठीक है, यहां से इसको निकालना था। ये तो एक तो रन पावर ओके 11 नंबर एक मेरे पास है, अगर मैं पहले सबसे पहले इसको एक बार ट्राई करूंगा क्योंकि इसमें काफी टाइम लगने वाला है। ठीक है, मैं सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट से बात कर लेता हूं कि 11 नंबर पॉइंट यानी ऑल सिस्टम पावर गुड, हालांकि ऑल सिस्टम पावर गुड आपने देखा एक तरफ से ऑल सिस्टम पावर गुड, एक तरफ से IMVP, एक 11 नंबर है और एक 12 नंबर है, तो इस लाइन में भी प्रॉब्लम हो सकती है और हो सकता है कि ये CPU बैठ गया। यही दो पॉइंट है, इसके अलावा फिजिकल तो दिख रहा है, कभी कभार कुछ मिसिंग भी निकल रहा है, तो CPU भी खराब हो सकता है। और एक रन पावर एरिया जहां जहां जा रहा है ऑल सिस्टम पावर गुड, उस एरिया को एक चेक करना है। तो सॉल्यूशन तो अभी नहीं निकला है दोस्तों, और अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और इसी तरह से हमें प्यार देते रहिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।